फ्रेंड्स, वेलकम टू द जी सी क्लासेस. दिस इज़ प्रतिभा स्वामी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स के साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. हर क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो साथ के साथ मैं आपको बताते हुए चलूँ. और आप भी जितना ज़्यादा हो सके हर टॉपिक, हर वर्ड से रिलेटेड, हर स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में आते हैं उससे रिलेटेड सारे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप साथ के साथ में कवर करते चलिए. तो चलिए शुरू करते हैं. अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका अपना आंसर है लू होल्ट्स. तो लू होल्ट्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है. अब ये लू होल्स हैं कौन? ये एक क्रिकेट कोच हैं जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में शिपिंग मंत्रालय अयोध्या ने किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? हाल ही में शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि अयोध्या कहाँ है. तो अयोध्या अपने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अपने सीएम कौन हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी. और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल. उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का अपना आंसर. हाल ही में शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सरयू. सरयू नदी के किनारे रामायण क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है. अब ये रामायण क्रूज सेवा है क्या? ये एक हाईली लग्जरी क्रूज होगा जिसमें रामायण से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, उनका सबका प्रदर्शन इसमें रामायण क्रूज सेवा में किया जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाल ही में फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? हाल ही में फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? अब नाम आया है फेसबुक का, तो फेसबुक के अपने सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में. इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, फेसबुक ने अभी मोर टुगेदर नाम से कैंपेन भी शुरू किया है. अभी इसका आंसर जान लेते हैं. हाल ही में फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? तो इसका नाम बदल कर इन्होंने रखा है डायम. ठीक है स्टूडेंट्स, फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदल कर डायम रख लिया. इसके साथ ही याद रखिए, फेसबुक ने अभी अपना मोर टुगेदर नाम से कैंपेन भी शुरू किया है. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाल ही में किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? क्या पूछा है? हाल ही में किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में स्थान हासिल कर लिया है? तो अब इसका आंसर अपन देख लेते हैं. इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आया है तो ये अपन सबको पता होना चाहिए. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक कौन हैं? मुकेश अंबानी. ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी कुछ 2-3 कंपनियों को और अधिकृत किया है, वो आप खुद पता लगाइएगा कि कौन सी कंपनियां हैं. ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाल ही में किस राज्य में 5-स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है? हाल ही में 5-स्टार विलेज पोस्टल किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहले अपन जान लेते हैं कि 5-स्टार विलेज पोस्टल है क्या. ये एक खास तरह की डाक सेवा है जिसके द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी डाक सेवा के द्वारा. ठीक है,
तो हाल ही में किस राज्य में 5-स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में 5-स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है। इसका आंसर है उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी अपन सब जानते हैं, देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र एस रावत। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कुछ बातें और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया बेरोजगार युवाओं के लिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो भी इसमें शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे से ज़्यादा जितना हो रहा है मेरे से, मैं सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टेट से रिलेटेड मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप भी जितनी भी और भी बाकी जैसे वहाँ की नेशनल सेंचुरीज, वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ पे कितनी योजनाएं लागू की गई है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं, उन सबको आप साथ के साथ में कवर करते रहिएगा, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सखीर ग्रैंड पिक्स 2020 रेस किसने जीती है? दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। हाल ही में सखीर ग्रैंड पिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो अभी पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये ग्रैंड पिक्स, ग्रे प्रो, ये होता क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको, ग्रैंड जो है वो जो रेस है इसको दर्शाता है, जो भी रेस का नाम होता है उसको दर्शाता है, और जो प्रिक्स है वो अवार्ड को दर्शाता है। ग्रैंड, ग्रे, प्रिक्स, प्रो, ये सब है। ग्रैंड, ग्रे ये तो दर्शाता है रेस को, प्रिक्स दर्शाता है अवार्ड को। तो ग्रैंड क्या है? ग्रैंड पिक्स है एक फॉर्मूला फर्स्ट रेसिंग कार, फॉर्मूला वन कार रेस है, इसको क्या बोला गया? ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जो है वो सर्जियो पेरेज ने जीती है। किसने जीती है स्टूडेंट्स? सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? अब ये आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च है क्या? जैसे अपना फ़ोन पे होता है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो इससे क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपन, सुविधा युक्त बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। तो अभी आई मोबाइल पे ऐप जो है वो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। अभी बात आईसीआईसीआई की हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1994 में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। बात श्रीलंका की हो रही है तो थोड़ा श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका के पीएम अपने हैं गोटाबियो राजपक्षे। क्या है स्टूडेंट्स? गोटाबियो राजपक्षे। श्रीलंका की कैपिटल जो है वो दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो, एक है श्री जयवर्धनमपुरम कुट्टे। क्या है? कोलंबो और जयवर्धनमपुरम कुट्टे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप साथ के साथ में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 40 को लॉन्च किया है? अब पहले अपन ये जान लेते हैं ये ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट है क्या। इसमें क्या होगा, बहुत अधिक ऊंचाई से या सैटेलाइट के माध्यम से जो भी नीचे की तस्वीरें लेगा वो बहुत हाई क्वालिटी की, एकदम क्लियर, अच्छी मेगापिक्सल वाली पिक्चर्स होंगी, जिसमें कोई पिक्सल फटने का नहीं रहेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी की वो पिक्चर्स होंगी। तो इसके लिए चाइना ने, इसका आंसर चीन ने गोफेन 40 नामक एक
ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब बात चीन की हो रही है तो चीन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, इसके साथ ही चीन ने एप स्टार 60 नामक एक दूर संचार उपग्रह भी लॉन्च किया है। अभी उपग्रह होता क्या है या सैटेलाइट्स होते क्या हैं? उपग्रह एक ऐसा सैटेलाइट होता जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो ग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी जानकारी हमें देता है। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उपग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर चीन। चीन ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 40 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही ई कचरे के उत्पादन में सबसे आगे है चाइना, चीन। अब इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो आप, एक है ई कचरा, एक है ई प्लास्टिक। तो ई कचरे के उत्पादन में चीन सबसे आगे है, ई प्लास्टिक के उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज कराई है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। WHO के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे कमी दर्ज करवाई है, मलेरिया की जांच के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? तो अभी भारत देश ऐसा है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। अभी WHO के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। WHO के फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, अपने इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अभी WHO के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। नए CEO का नाम क्या है जो मूलतः भारत मूल के रहने वाले हैं? उनका नाम है दोस्तों अनिल सोनी जो है उनको WHO का नया CEO नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अभी अमेरिका ने भी WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अब आप ये देखिए WHO के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, उनकी सूची बनाइए और उन्हें पढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीबी गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? बीबी गुप्ता को किस राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य का नया सूचना आयुक्त बीबी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान का कैपिटल क्या है? राजस्थान का कैपिटल है अपना जयपुर। राजस्थान में कौन सी नेशनल सेंचुरीज हैं? सरिस्का है, एक केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भी है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ के साथ में नोट करते जाइए ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी दर्ज की गई है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कितनी दर्ज की गई है? तो पहले अपन बात करते हैं कि इसकी पहले ऊंचाई कितनी थी माउंट एवरेस्ट की, और माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है? ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन से देशों में है? तो इसका है चीन और नेपाल। चीन और नेपाल में जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो इसकी पहले की ऊंचाई थी स्टूडेंट्स 8848 मीटर, और अभी इसकी ऊंचाई दर्ज की गई है 8848.86, यानी 86 मीटर की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है माउंट एवरेस्ट की चोटी में। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर दर्ज की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एंड स्लम बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप पोर्टल लॉन्च किया गया है?
दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एंड स्लम बच्चों के लिए कैलेंडर ऑफ होप पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, तो अभी लुफ्तांसा, इसका आंसर है लुफ्तांसा। लुफ्तांसा एयरलाइंस जो है उसने भारत में स्लम एंड स्ट्रीट वाले बच्चों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, या होप पोर्टल उसकी पहल शुरू की है, कैलेंडर ऑफ होप पहल शुरू की है लुफ्तांसा। तो अब अपन देखते हैं लुफ्तांसा कहाँ की एयरलाइंस है। तो लुफ्तांसा स्टूडेंट्स जर्मनी की एयरलाइन है, जर्मनी की एयरलाइन है लुफ्तांसा। कुछ और एयरलाइंस के नाम मैं आपको बता देती हूँ। अमीरात जो है वो अपनी यूएई की एयरलाइन है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एयरलाइन मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया की एयरलाइन का नाम हम सब जानते हैं, एयर इंडिया। एक है एयर फ्रांस, ये फ्रांस की एयरलाइन है। तो याद रखिएगा, लुफ्तांसा जो है, जो जर्मनी की एयरलाइन है, उसने भारत में स्ट्रीट एंड स्लम बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप पहल शुरू की है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्गरेट कीनन फाइजर कोविड 19 का टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, मार्गरेट कीनन जो है वो फाइजर कोविड 19 का टीका लगवाने वाली फाइजर कोविड 19 का टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। यह किस देश की हैं? तो देखिए, ब्रिटेन मूल की रहने वाली मार्गरेट कीनन जो है वो फाइजर कोविड 19 का टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। इसका आंसर है ब्रिटेन। अभी कुछ दिन पहले भी एक हुआ था कि वायु प्रदूषण से सबसे पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है, तो वो भी दोस्तों ब्रिटेन में वायु प्रदूषण से सबसे पहली मृत्यु एक 9 साल की बच्ची की दर्ज की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्वसनीय ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर रहा? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्वसनीय ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर रहा? तो डेल ब्रांड जो है वो TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्वसनीय ब्रांड में सबसे शीर्ष पर रहा। अब बात डेल की हो रही है, तो डेल कहाँ का ब्रांड है दोस्तों? अमेरिका। तो अमेरिका का जो डेल ब्रांड है वो TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्वसनीय ब्रांड में फर्स्ट नंबर पे है। अभी अपन कुछ टॉप 3 ब्रांड लिस्ट है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है डेल, आफ्टर दैट MI, एंड थर्ड पे है सैमसंग। तो डेल अपन ने देख ही लिया, अमेरिका का ब्रांड है। MI हम सब जानते हैं चाइना, सैमसंग है दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। टॉप 3 ब्रांड कौन कौन से हैं? डेल, MI एंड सैमसंग। डेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। MI कहाँ की कंपनी है? चाइना। एंड सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं ख़त्म होती है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है साथ के साथ में लिखते चलिए। जितना ज़्यादा आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।